चेतन मन और अवचेतन मन क्या है? चेतन और अवचेतन मन को समझकर हम जीवन में सब कुछ कैसे पा सकते हैं? दोस्तों, हमारे मन की मुख्यतः दो अवस्थाएं होती हैं। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। दोनों के कई और भी स्तर होते हैं। सम्मोहन के दौरान अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसका उसे आभास नहीं होता, क्योंकि उस वक्त वह सम्मोहनकर्ता के निर्देशों का ही पालन कर रहा होता है। दोस्तों, चेतन और अवचेतन मन कोई छोटी चीज नहीं या बहुत बड़ा विषय है। इसमें आप जितना अंदर घुसते जाएंगे, उतना ही इसकी गहराइयों को समझते जाएंगे और अपने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं का निर्माण करता है। वह जो सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। वह अपनी परिस्थितियों का खुद ही निर्माता है। इसे और विस्तार से बाद में समझेंगे। पहले चेतन मन और अवचेतन मन क्या है इसे जान लेते हैं। चेतन मन, इसे जागृत मन भी मान सकते हैं। चेतन मन में रहकर ही हम दैनिक कार्यों को निपटाते हैं, अर्थात खुली आंखों से हम कार्य करते हैं। परंतु कई लोग जागे हुए भी सोए सोए से रहते हैं। मतलब यह कि जब तक आपके मस्तिष्क में कल्पना, विचार, चिंता, भय आदि चल रहे होते हैं, तो आप पूर्ण चेतन की अवस्था में नहीं हैं। आप खोए हुए हैं। अवचेतन मन, जो मन सपने देख रहा है वह अवचेतन मन है। उसे अर्धचेतन मन भी कह सकते हैं। गहरी सुसुप्ति अवस्था में भी यह मन जागृत रहता है। विज्ञान के अनुसार जागृत मस्तिष्क के परे मस्तिष्क का हिस्सा अवचेतन मन होता है। हमें इसकी जानकारी नहीं होती। बौद्धिकता और अहंकार के चलते हम उक्त मन की सुनी अनसुनी कर देते हैं, और इस अवचेतन मन को साधना ही सम्मोहन है। सम्मोहन व्यक्ति के मन की वह अवस्था है जिसमें उसका चेतन मन धीरे धीरे निद्रा की अवस्था में चला जाता है, और अर्धचेतन मन सम्मोहन की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। दोस्तों, साधारण नींद जो हम लेते हैं और सम्मोहन की नींद, दोनों में अंतर होता है। साधारण नींद में हमारा चेतन मन अपने आप सो जाता है तथा अर्धचेतन मन जागृत हो जाता है। सम्मोहन निद्रा में सम्मोहनकर्ता चेतन मन को सुलाकर अवचेतन मन को आगे लाता है और उसे सुझाव के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करता है। हमारा यह अवचेतन मन चेतन मन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि यह कभी भी किसी भी बात पर विवाद नहीं करता। जो आप कहते हैं उसे वह मान लेता है। अवचेतन मन की शक्तियों की गहराई चेतन मन से कहीं अधिक है। आइए अवचेतन मन की शक्तियों को जान लेते हैं। पहला, हमारा अवचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा अधिक याद रख सकता है एवं सुझावों को ग्रहण कर सकता है। इसमें हमारी सभी तरह की भूल, बिसरी यादें संरक्षित रहती हैं, जिन्हें आप प्रयास करके याद भी कर सकते हैं। दूसरा, अवचेतन मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर से संबंध स्थापित करके व्यक्ति दूरस्थ स्थान या देश की यात्रा भी कर सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि आप जब भी सोए हुए रहते हैं, तब आप न जाने कितनी जगह भ्रमण कराते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने पूरी दुनिया कुछ मिनटों में ही घूम ली है और आपको उसका आभास भी नहीं रहता। तीसरा, यह मन हमें आने वाले खतरे या उक्त खतरों से बचने के कई तरीके बताता है। यह मन लगातार हमारी रक्षा करता रहता है, क्योंकि हमारे इस अवचेतन मन में असंख्य एक्सपीरियंस विद्यमान हैं। बस उनके ऊपर कई परतें चढ़ी हुई हैं, जिन्हें आप याद नहीं रख पाते। परंतु कुछ प्रयासों और ध्यान की मुद्राओं में जाने के बाद आप अपने अवचेतन मन पर बहुत ही आसानी से काबू कर सकते हैं। चौथा, यह अवचेतन मन हमें होने वाली बीमारियों की कई महीने पहले ही सूचना दे देता है, और यदि हम बीमार की स्थिति में हैं, तो यह अवचेतन मन ही हमें स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। पांचवा, सम्मोहन क्रिया या ध्यान द्वारा इस मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक या साधक अपने संकल्प को पूर्ण कर सकता है। इस मन के माध्यम से विचारों का संप्रेषण, अर्थात दूसरे के मन के विचारों और भावों को पढ़ा जा सकता है। इस मन के माध्यम से अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखा जा सकता है। इस अवचेतन मन के माध्यम से दूरस्थ दृश्यों को भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जब अवचेतन मन सध जाता है, तो व्यक्ति की जीवन में घटने वाली घटनाएं, बीमारियां या कोई भी होने वाला रोग, उसे उनका पूर्वाभास हो जाता है। इस मन के माध्यम से व्यक्ति दूसरे के विचारों को बदल सकता है
और उसे स्वस्थ भी कर सकता है। यह अवचेतन मन की शक्ति बहुत ही कारगर है। बस आवश्यकता है तो इस अवचेतन मन की शक्ति को जानने की, उसे पहचानने की, उसे अपने जीवन में उतारने की। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी जिंदगी की भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग गहरी निद्रा में हैं, क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमता और असीम प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। यह अवचेतन मन की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि आप बस अपने मन में उसको पाने की इच्छा प्रकट कीजिए, वह आपको लाकर दे देता है। जैसे एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने मन की अवचेतन शक्ति को पहचान गए तो आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। परंतु यदि आप अपने अवचेतन मन की इस शक्ति को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि वह क्या कर सकता है, तो आप उससे कुछ भी नहीं पा सकते, बल्कि आपके जीवन में जो कुछ भी है आप उसे भी खो देंगे। आपका अवचेतन मस्तिष्क सब तरह से बुद्धिमान है, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। यह आपके साथ बहस या आपको पलटकर जवाब नहीं देता या नहीं कहता आप मुझे इस चीज से प्रभावित करें। उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं यह एहसान नहीं ले सकता, मैं गलत जगह पैदा हुआ, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को भर रहे होते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका यह अवचेतन मन आपको इसी के अनुरूप ही प्रतिक्रिया देता है। यानी आप जैसा सोचेंगे आपके साथ यह वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। यदि आप हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, आपके आसपास के तमाम लोग जो आपको जानते हैं और आपको प्रोत्साहित करने की बजाय आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे आप यदि किसी बारे में निर्णय लेना चाहते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो वह आपके अंदर नेगेटिविटी भर देंगे। नहीं यार, ऐसा मत कर, अभी सही समय नहीं है, यह समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा। सही समय आता नहीं है, सही समय लाना पड़ता है। उसके लिए स्वयं को मजबूत करना होता है, अपनी अंदर उपस्थित उस अवचेतन शक्ति को जगाना होता है जिससे आप जीवन में हर चीज पा सकते हैं जिसकी आपको कामना है। बल्कि आप अपनी इस अवचेतन मन की शक्ति से दूसरे को भी ऊर्जावान बना सकते हैं, उसको धन संपदा दे सकते हैं, उसकी कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंड, एक ऐसा माइंड जो पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, वह अपने आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव कर देता है। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति इतनी सुदृढ़ है कि आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। अच्छा सोचें तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोच रहे होते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ विवाद नहीं करता, या जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार कर लेता है। क्योंकि हमारे द्वारा ज्यादातर निर्णय चेतन मन के द्वारा लिए जाते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत कम ही यूज कर पाते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस अवचेतन मन में कई परतों के नीचे होते हैं। और जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, ध्यान मेडिटेशन नहीं करते, मन को शांत नहीं रखते, मन दिन भर की उथल पुथल में व्यस्त रहता है, दूसरे का बुरा करने के लिए आप उतावले रहते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। आपका जीवन नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आपके जैसे विचार होंगे आपके समक्ष परिस्थितियां भी वैसी होंगी। तो आपको केवल अपने विचारों को मजबूत करना है, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना है। तो आइए एक प्रयोग करते हैं जिससे आपका अवचेतन मन मजबूत होगा और आप अपने भीतर उतर पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। सबसे सही मुद्रा है सुखासन की मुद्रा। इस मुद्रा में बैठकर आप अपने सांसों को स्थिर होने दें। ध्यान रहे कि अभी आपको अपने मन में उठ रहे विचारों पर विचार नहीं करना है, आपको केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांस जो अभी तेज तेज चल रही है उसे स्थिर करना है।
ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपका मन विचारों से भर गया है। नए नए विचार आपको परेशान कर रहे हैं, विचार रुक ही नहीं रहे। परंतु आपको विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप जितना अपने विचारों को रोकेंगे यह विचार उतने ही मजबूत होते जाएंगे। इसलिए आप अपना ध्यान विचारों से हटाकर अपनी सांसों की स्थिरता पर लगाइए। अपने भीतर देखिए, भीतर की ओर अपने आप को मोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट के इस अभ्यास से आपका मन स्थिर हो गया है, विचार कम हो गए हैं, आप अपने अवचेतन मन के एक्सपीरियंसेस को महसूस कर पा रहे हैं। जब आप शांत हो जाते हैं तो आपके द्वारा लिया गया निर्णय भी प्रभावशाली होता है। इसलिए जब भी मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हों, किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न हो जाए, तो आपको केवल ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है। शुरुआती समय में यदि आंख बंद करने में आपको डर लग रहा है तो आप अपनी आंखों को खोलकर केवल अपनी सांसों को महसूस करेंगे। सांसों को महसूस करते करते आपका मन स्थिर हो जाएगा और मन स्थिर होने के बाद आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। इसे और गहराई से करने पर आप अपने भीतर उतर जाएंगे और जो कुछ भी अब आप सोचेंगे वह पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिविटी से आप दूर हो जाएंगे। यह प्रयोग केवल मैंने बताया है, अब आपको इसे अपने जीवन में उतारना है और कम से कम 20 मिनट का अभ्यास करना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।